कि आप लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ इस पोकर से भाई रेल को प्लेस करा जाता है। हाँ भाई हाँ, करा जाता है इस पोकर से। तो कैसे हो, फिर से लेके आ गया हो माइनक्राफ्ट का और एक नया वीडियो। माइनक्राफ्ट यानी कि मोजैंग हम लोगों से बहुत कुछ छुपा रहा है मेरे दोस्त, बहुत कुछ, एक नहीं बहुत कुछ छुपा रहा है। कौन सा चीज छुपा रहा है भाई, वो तो वीडियो के अंदर ही आप लोगों को पता चल जाएगा। भाई माइनक्राफ्ट के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है भाई, खत्म नहीं होगा इतना बहुत कुछ भाई, इतना कुछ बहुत कुछ। जो भी है खैर चलो भंड के फूटते हैं, मतलब भाई माइनक्राफ्ट का आज भाई देखते हैं कौन सा चीज भाई छुपा के रखा है। ठीक है, छोटा सा मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो देख लेना। वीडियो का लाइक है मैं ज्यादा नहीं है भाई, कितना रख दूं भाई, 30 रख दूं, 30 गोल कंप्लीट कर देना। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 30 है गोल कंप्लीट कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गो। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग एक्सपी को कितना कलेक्ट कर सकते हैं, कितना भाई, कितना लेवल तक जाएगा एक्सपी, आप लोगों को पता है? नहीं पता है ना भाई, कितना लेवल तक जा सकता है भाई, सोचो यार कितना लेवल तक जा सकता है। तो लेट्स गो यार, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर एक्सपी भाई मिलने की चांस भाई बहुत ही रेयर होता है भाई। एक्सपी वगैरह फार्म वगैरह बनाना पड़ता है, उसके बाद जाके ढेर सारा एक्सपी वगैरह मिलता है, आप लोगों को तो डेफिनेटली पता है। कितना मेहनत लगता है एक्सपी वगैरह कलेक्ट करने के लिए, बहुत ही तगड़ा वाला मेहनत भाई, खत्म ही नहीं होगा भाई एक्सपी का, एक्सपी भाई खत्म ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा मिल सकता है भाई। लेकिन एक लेवल है जहाँ पे जाके आपका जो है एक्सपी और नहीं होगा, उसके ऊपर कलेक्ट करने जाओगे तो भाई लेवल जीरो हो जाएगा, फिर से एक पे आ जाएगा। ठीक है, वो लेवल है भाई, ये देखो ये नंबर है, ये नंबर तक आप लोग एक्सपी को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये नंबर तक एक्सपी को कलेक्ट करना भाई, मतलब भाई 5 साल माइनक्राफ्ट को लगातार यूज करने के बाद भाई 24 घंटे लगभग भाई 5 साल तक 24 घंटे भाई यूज करने के बाद जाके ये एक्सपी मिलेगा हम लोगों को भाई। सोचो यार, सोचो माइनक्राफ्ट के अंदर एक्सपी कलेक्ट करना कितना ज्यादा टिपिकल है, ये बात छुपा के रखा है माइनक्राफ्ट वालों ने। ठीक है, और नेक्स्ट तो और भी धमाकेदार है, तो लेट्स गो। एनविल के अंदर एनविल को प्लेस करने के बाद हम लोग चेस्ट को एक नाम देते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो चेस्ट को अगर नाम देते हैं, इसको हटा के एजी की चेस्ट लिख देते, एजी का चेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते एजी का चेस्ट एंड इसको प्लेस कर देते भाई, नेम टैग हो गया इसको भाई, अभी के अभी मैं प्लेस करने वाला हूँ। ये देखो प्लेस हो गया, यहाँ पे नाम दिखा रहा है एजी का चेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसको मैं तोड़ के फिर से दिखा देता हूँ एजी का चेस्ट। ठीक है, अभी क्या करने वाला हूँ, अभी एनविल को प्लेस करके उसके बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पे और भी लंबा जितना हो सकता है और भी लंबा, देखो जी 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 करके करके मैं पूरा भर दूंगा भाई, पूरा भर दूंगा। देखो यहाँ पे पूरा भर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको भाई क्राफ्ट कर लेता हूँ, ले लेता हूँ भाई, बहुत ही लंबा हो रहा है भाई, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ये देखो भाई हो गया भाई, यहाँ पे दिखा रहा है हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो और भी ज़्यादा, और भी देखो यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, जितना हुआ है नहीं आया, यहाँ पे मैं जैसे ही प्लेस कर दूंगा, ये देखो नहीं आ रहा है भाई, ये देखो यहाँ पे देखो आ रहा है एजी का चेस्ट। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं प्लेस करूँगा भाई, ये देखो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लेस करने के बाद नहीं आता है, ये देखो भाई ये ग्लिच है या फिर माइनक्राफ्ट वालों ने छुपा के रखा है, मेरे को नहीं पता। लेकिन भाई ये तो काम नहीं करता है, चेस्ट का नाम वगैरह नहीं आता है। ये देखो मैंने जो पहले लिखा था वही आ रहा है, लेकिन और दूसरा नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। यार कर क्या रहे हो माइनक्राफ्ट वालों, कर क्या रहे हो भाई, ढंग से तो कोई चीज करो भाई। कोई माइनक्राफ्ट के अंदर तगड़ा तगड़ा ग्लिच वगैरह है भाई, जहाँ पे आइटम वगैरह डुप्लीकेट वगैरह सब कुछ कर सकती है, ये भी ग्लिच है भाई, चेस्ट के अंदर नाम भी नहीं आता है। क्या पता भाई क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है। जो भी है खैर इसको भाई ठीक करना पड़ेगा, मेरे को तो भाई आता नहीं है, मैं तो ठीक नहीं करूँगा, माइनक्राफ्ट वालों ठीक करेगा। लेकिन दूसरा जो भाई तीसरा जो ग्लिच है ना भाई, मस्त है मस्त है। हम लोग जो है रेल को ऐसे प्लेस कर सकते हैं भाई, नीचे कुछ भी नहीं है लेकिन भाई रेल मस्त है। ये देखो भाई ये माइनक्राफ्ट बेडरॉक जावा, जहाँ पे भी भाई जहाँ पे भी वर्क करना चाहोगे करोगे भाई, करेगा डेफिनेटली करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से तीनों के तीनों रेल को प्लेस करूँगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्टिकी पिस्टन लेना है। ठीक है, स्टिकी पिस्टन और रेस्टोन लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो रेस्टोन मैंने ले लिया, उसके बाद हम लोगों को ऊपर थोड़ा सा उठना है, यहाँ पे टू जो है स्टिकी पिस्टन को प्लेस करना है। ठीक है, टू पिस्टन को प्लेस करने के बाद उसके ऊपर फिर से और एक प्लेस करना है, यानी कि थ्री प्लेस करना है भाई, मतलब 3 ब्लॉक भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है। ठीक है, इन दोनों को तोड़ देना है। उसके बाद ऊपर एक सपोर्ट हो गया, उसके बाद नीचे के साइड प्रेस करता हुआ एक स्टिकी पिस्टन को प्लेस कर देना है कुछ इस प्रकार से।
अभी क्या करना है आप लोगों को, ऊपर वाला तोड़ देना है एंड रेस्टोन से कनेक्ट देना है। दे दिया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इसको भी तोड़ देना है रेस्टोन को। जैसे ही तोड़ोगे ये देखो कमल का चीज़, ये माइनक्राफ्ट वालों ने छुपा के रखा था, मैंने ढूंढ के निकल दिया, आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। वीडियो का लाइक है मैं 30, ज्यादा नहीं है 30 कर देना, ठीक है गोल। भाई और भी चीज छुपा के रखा है जो भाई लेके आने के लिए, तो भाई आप लोगों का कॉमेंट चाहिए भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, दावा के कमेंट कर दो। अगर पसंद आया तो कमेंट, एक भाई कमेंट नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या यार? बड़े बड़े चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हम लोग तो छोटे हैं ना, छोटे वालों को क्यों सपोर्ट करोगे भाई, क्यों सपोर्ट करोगे? हाँ ना करो यार, बड़ों को करो भाई, छोटा तो छोटा ही होता है ना। जो भी है गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, पसंद आ रहा है तो दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा सा वीडियो में, और गाइस तब तक के लिए गुड बाय।